हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। इसे स्टॉक में देखें तो आज के दिन 45 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक आधे परसेंट के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले किस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में आधे परसेंट की तेजी देखने को मिली है, एक महीने में 4% की तेजी देखने को मिल रही है, परंतु 3 महीने में से स्टॉक में 11% के करीबन की गिरावट देखने को मिली है, 6 महीने में से स्टॉक में 5.5% का मोमेंटम देखने को मिलेगा और 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 80% के करीबन की तेजी देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, परंतु शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। इसे स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक का एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है अराउंड 133 रुपीज। 133 रुपीज का इसे स्टॉक में एक हाई बॉटम देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक का नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है अराउंड 100 रुपीज। 100 रुपीज से स्टॉक में नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 90 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लूज के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 130 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।